तिहाड़ प्रशासन ने नोटिस जारी किया है चारों आरोपियों को कि अगर 7 दिन के अंदर वो लोग मर्सी पिटीशन नहीं लगाएंगे प्रेसिडेंट के पास तो उनको उनकी फांसी की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी जाएगी। आपको लगता है कि अब वक्त आ गया इंसाफ की घड़ी? उम्मीद तो जगी है, जिस तरह से जेल प्रशासन ने नोटिस किया है तो एक उम्मीद की किरण तो जगी है, क्योंकि मैं 1 साल होने को है, मैं भी अपील करी हूँ पटियाला कोर्ट हाउस में कि उनको जो भी उनका प्रोसीजर है वो पूरा हो, उनको जल्द से जल्द फांसी की डेट मिले। तो आखिरकार जेल प्रशासन ने किया, लेट से ही किया लेकिन किया, तो उम्मीद है कि उनको अब जल्द से जल्द जो भी कार्रवाई होगी होगी और उनको फांसी होगी, क्योंकि इस फांसी के इस सजा को बहुत लोगों का इंतजार है, उनके फांसी का बहुत लोगों को इंतजार है, खासकर जो हमारे जैसे परिवार हैं, बच्चियां हैं, कि अगर निर्भया को इंसाफ मिलेगा तो हमें भी मिलेगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जो भी लेट हो हुआ सही, लेकिन उनको जल्द से जल्द फांसी होगी और निर्भया को इंसाफ मिलेगा। 7 सालों में आपने कई बार ऐसा वक्त भी आया होगा कि आप हिम्मत हारी होंगी, कई बार ऐसा लगा होगा कि अब फैसले का टाइम आ गया है, किस किस तरीके के अनुभवों से आप गुजरे? देखिए, इन 7 सालों में बहुत अनुभव रहा, बहुत संघर्ष किए हमने। जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया तो मुझे लगा कि नहीं अब तो जल्दी हो जाएगा, लेकिन जब थोड़े दिन बीत गया मुझे तब से आज तक जहाँ भी लगा कि नहीं मुझे यहाँ जाना चाहिए, यहाँ जाने से उनको जल्दी होगा, मैं वहाँ गई, कभी मैं बैठी नहीं। लेकिन जब जैसे जैसे समय निकलता गया, साल बीत गए, तो फिर हमने अपील किया, अपील किए भी साल निकल गए, तो कई बार बीच में ऐसा लगता है कि नहीं पता नहीं फांसी होगी नहीं होगी कब होगी, लेकिन मैं अपने उम्मीद को नहीं टूटने देती हूँ, क्यों मैं यही सोचती हूँ कि मेरे जान में जान रहेगी तब तक मैं संघर्ष करूंगी और अपने बेटी को इंसाफ दिलाऊंगी। ये है ABP News, आपको रखे आगे।